गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे है, तारीख मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया आज की तारीख, और लेट उठे हैं, बहुत 12 बजे उठे हैं और दो चार गालियां खा चुके हैं घर पे लेट उठने की वजह से, और संडे का ब्रेकफास्ट मिल गया, पराठे, हेल्दी ब्रेकफास्ट, खाओ पियो ऐश करो, कोई डाइट वाइट नहीं होती, खाओ पियो ऐश करो, बस जिम ढंग से कर लो, सब सही रहता है, ऐसी भी नहीं है बात, बट स्टिल ये तो चलो मम्मी के हाथ के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी हेल्दी स्टफ है ये। चलो अगर कहीं दिखा जाते हैं आज तो दिखाता हूँ, वरना घर पे रहूँगा तो ज़्यादा लंबा कोई व्लॉग होगा नहीं, और अगर दोस्तों ने बुला लिया तो वो अलग बात है फिर वहाँ पे। तो गए यार, संडे है, सो किस में उसके बाद उठ के फिर खाना खा के फिर सो गया था, और आज कुछ करने को है नहीं ज़्यादा, ना जिम जा सकते, जिम बंद होता अपना, और वैसे भी रेस्ट डे है और कुछ करने को है नहीं, तो गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी आज और बाइक भी गंदी हो रही थी, तो धो लेते हैं मैंने सोचा आज, और धोना बाइक गाड़ी धोना पसंद भी है, ऐसी बात नहीं है कि धुलवा नहीं सकता कहीं से, बट कार बाइक एंथुसियास्ट हैं तो समझ सकते हो, पसंद है खुद धोना और सही है, अच्छा लगता है यार, टाइम पास हो जाता है, संडे संडे निकल जाता है, तो लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आज है मंडे और तारीख क्या, आज तारीख क्या है, 24, आज 24th है, और ये बैठी हमारी मम्मी, आज 24th है और अभी 8 बज रहे हैं रात के, और मैं जिम जा रहा हूँ, आज लेट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मंडे होता है, सब बहुत क्राउडेड रहता है जिम, तो थोड़ा खाली रहेगा तो सही रहेगा शूट करने में भी, और सुबह से आज कुछ मिला था, कुछ खास नहीं था शूट करने के लिए तो करा नहीं मैंने, अब कर रहे हैं जिम, आज लेग्स या शोल्डर मारेंगे, देखते हैं अभी डिसाइडेड नहीं है, जिसके साथ करता हूँ उससे भी पूछूंगा क्या मारने का मन है, मैं तो कुछ भी मार लूँगा, बट आज शोल्डर या लेग्स मारना है, कुछ इनमें से कुछ मारना है, देखते हैं, अभी शेक पीते हैं पहले। आज कुछ, कल मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं करा संडे का, और संडे का भी आज, संडे का भी इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल का व्लॉग, क्योंकि कुछ ज़्यादा दिखाने को था नहीं, मैं कहीं ज़्यादा गया भी नहीं, क्योंकि मैं अभी, मेरे पास जॉब है नहीं, एंड मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जॉब करते हैं, तो सब सारे बिजी रहते हैं, संडे को कभी कभार होता है कि हम बाहर जाते हैं, और एज सच हम पार्टी करते भी नहीं, जैसे क्लब वब जाना और ये सब अच्छा नहीं लगता हमें, अगर हाउस पार्टी करनी होती है, किसी का बर्थडे होता है तो वो अलग बात है, बट क्लब वब जाना अच्छा नहीं लगता हमें, हमारे लिए क्लब जिम ही है, वहाँ पे भी गाने बजते हैं, बट ये है हम वहाँ पे लोग नाचते हैं, हम वहाँ एक्सरसाइज करते हैं तो हाँ साफ सीधी बात है, नहीं लगता अच्छा है, मतलब क्लबिंग का टाइम भी आएगा, करेंगे, बट अभी अच्छा नहीं लगता, अभी अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है, तो चलते हैं आज, देखते हैं लेग या शोल्डर में से कुछ करेंगे। बाय बाय।
सब करने के बाद हमने शोल्डर मूवमेंट्स करी है सारी, जितनी भी करी होंगी सारी शुरुआत में। उसके बाद हम पहली ले रहे हैं स्टैंडिंग फ्रंट रोल शोल्डर पे, तीन सेट आगे तीन सेट बैक शोल्डर। तो उसके बाद दिखा दें और लाइट वेट से करनी है सारी एक्सरसाइज, हैवी से नहीं होती, थोड़े बहुत लाइट वेट से। ज़्यादा फोकस है तो मारते हैं, चार सेट मार लेते हैं। शोल्डर मार दे ना, पावबाजी मत करना कभी, ज़्यादा ना वेट मत मारना शोल्डर पर, जितना ले सकते हो उतना मारना, क्योंकि शोल्डर ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, अगर इस पर ज़्यादा लोड जाएगा ना तो इंजरी बहुत आसानी से हो सकती है। और शोल्डर मारने से पहले ना वार्म अप अच्छे से करना, वरना इंजरी तो बहुत प्यार से हो जाएगी। बस हमारी चार एक्सरसाइज हो चुकी है, पाँचवीं है अपराइट, ठीक है अपराइट के भी चार सेट मार के शक्स मार के ख़त्म कर देंगे, थोड़ी सी दो रैप्स मारेंगे बस तो ख़त्म। शख्स का आखिरी सेट मार के ख़त्म कर रहे हैं, अब मारेंगे लोअर वैली के लिए, मेरे लोअर वैली साइड थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए हैंगिंग लेग रेज मारेंगे लेग्स फोल्ड करके, उसके बाद ख़त्म कर दें।
तो गाइस घर आ चुके हैं और काफ़ी टायरिंग डे था आज। आज पता नहीं जिम में भीड़ भी बहुत थी तो मन नहीं करा आज ज़्यादा करने का। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो ज़्यादा वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और देखते हैं अभी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा हूँ कैमरा के साथ, बाहर बनाना शुरू करूँगा धीरे धीरे और बाहर भी। बट ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा खुलने में। और बस खाना खाते हैं उसके बाद बस फिर। सो गाइस घर आ गए थे और हाथ मुंह धो लिया, अब खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं काम वाम करेंगे, एडिटिंग करेंगे फिर इसी व्लॉग की। और संडे वाला व्लॉग भी थोड़ा सा एडिट करना है, ज़्यादा कुछ करा नहीं था उसमें, बट फिर थोड़ा थोड़ी भी बहुत क्लिप्स हैं वो भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना अगर देखनी हो तो। और ये खाना खा रहा हूँ मैं अभी, ये मेरी नॉर्मल डाइट है अभी, चार रोटी, दाल दाल आलू फली की सब्जी, चाप और ये हल्का सा सैलेड है। और अभी चावल गर्म हो रहे हैं, चावल भी खाऊंगा थोड़े से, ये नॉर्मल डाइट है। और जैसे अभी मेरे को पानी पीना होता है अभी, तो मैं पानी कम से कम दिन में, ये मेरी 2 लीटर की बोतल है तो ये मैं टू एंड हाफ बार भर लेता हूँ, तो मतलब 2.5-3 लीटर पानी हो जाता है मेरे दिन का। अभी कम हो गया पहले से, बट हाँ अब 2.5-3 लीटर पी लेता हूँ। बट जब क्रिएटिन वेटिंग स्टार्ट करूँगा, क्रिएटिन लेना, तो थोड़ा और बढ़ा दूँगा पानी। अब खाना खाता हूँ। सो गाइस खाना खा लिया था, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब एडिटिंग करेंगे उसके बाद सो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक द शोल्डर वर्कआउट, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो, घर पे तो नहीं जिम में ट्राई कर सकते हो। एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बता भी देना या फिर DM कर देना। और अगर कोई भी क्वेरीज चाहिए या फिर कुछ भी पूछना है जिम से रिलेटेड, कुछ भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वो राइट कॉर्नर पे मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा, आप फॉलो भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ घर वालों से भी सब्सक्राइब कराओ चैनल, थोड़ा यूट्यूब फैमिली बड़ी कराओ और फिर अच्छा अच्छा कंटेंट आते रहेगा। So that's it for today. If you like my video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. That's it for today, guys. Okay, bye.